हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लिजार्ड लावालून अटैक स्ट्रेटेजी, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है इस वक्त क्लैश ऑफ क्लैन गेम में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस अटैक से। बेसिकली हमें स्टार्ट में अपने बैटल ब्लिंप और सुपर विजार्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि स्टार्ट में मैंने लावा और ब्लिंप यूज़ किया, बलून्स यूज़ नहीं किया, लावा यूज़ किया ताकि हम डीप बेस के अंदर जा सकें। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास चार इनविजिबल स्पेल है जो कि अब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस जो है वो डाउन हो चुके हैं इस कंपार्टमेंट के। और जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी हाई डैमेजिंग बिल्डिंग्स थी, जैसे कि स्कैटर शॉट, एक्सबो, और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट एम्प्टी हो गया। तो अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमें हीरोज़ यूज़ करने हैं। तो हीरोज़ से मैं जो हूँ टाउन हॉल डाउन करने वाला हूँ इस बेस का। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यूज़ किया सुपर वॉल ब्रेकर हमारी क्वीन को फनल करने के लिए, ताकि क्वीन जो है टाउन हॉल डाउन कर सके इजीली। और लेफ्ट साइड में मैंने यूज़ किया बेबी ड्रैगन फनलिंग के लिए, और राइट साइड में विजार्ड यूज़ किया ताकि क्वीन जो है डायरेक्टली टाउन हॉल के पास जाए। और ये मैंने रॉयल चैम्पियन भी यूज़ कर लिया है। अब देखते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा हीरोज़ ले लेते हैं इस अटैक में। और ये किंग जो है हमारा डाई हो गया है, और क्वीन अब तक हाफ से ज़्यादा हेल्थ में, रॉयल चैम्पियन भी अच्छी खासी हेल्थ में, लेकिन हमें ज़्यादा रुकना नहीं है। अगर आपको सफिशिएंट लगा तो जल्दी से जो है लून्स से अटैक स्टार्ट कर लेना है, लावा लून से। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि टॉप साइड से मैंने लावा लून यूज़ किया है, और राइट साइड में जो है लून्स थोड़े यूज़ किया एक लावा के साथ। और कंटिन्यूस जो है हमें स्प्लैश डैमेज से बचना होता है। स्टार्ट में मैंने एक फ्रीज यूज़ किया, फिर वार्डन एबिलिटी यूज़ किया स्कैटर शॉट से बचने के लिए, और अभी भी हमारे पास दो फ्री स्पेल बचे हुए हैं और एक है स्पेल बचा हुआ है। और लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ईगल को फ्रीज कर लिया है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये विजार्ड टावर जो है इजीली डाउन हो जाएगा, कि बहुत ज़्यादा लून्स थे। और हे स्पेल के वजह से वार्डन आगे आया, इसलिए हमें इन्फर्नो टावर को जो है फ्रीज करना पड़ा ताकि हमारा वार्डन सेफ रह सके। इस तरीके से ये अटैक जो है 3 स्टार हो गया है। इस तरीके से आप भी अटैक कर सकते हैं। अगर आपको ये अटैक अच्छा लगा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट मोमेंट तक वेट मत कीजिए। ये रहा सेकेंड बेस जिस पे हमने अटैक किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सेंटर में जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसेस है, और हमारा टारगेट वही है कि हम जितना ज़्यादा सेंटर के पास जाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे अटैक के लिए। और स्टार्ट में सेम मैंने लावा यूज़ किया, और उसी के पीछे ब्लिंप यूज़ किया। जैसे ही ब्लिंप स्कैटर और ईगल कंपार्टमेंट के बीच में आएगा तो हम उसे बस्ट करेंगे, और जल्दी से अपना रेज और इनविजिबल स्पेल यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ब्लिम जो है परफेक्टली कॉर्नर पे गिर गया है, और इस बेस का जो है सेंटर इजीली डाउन हो गया। और अब बारी है टाउन हॉल की, और ये लास्ट फोर्थ इनविजिबल स्पेल के साथ टाउन हॉल भी डाउन हो गया है। तो हमें इस बेस में बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेजिंग बिल्डिंग्स की वैल्यू मिल गई है। टाउन हॉल इजीली डाउन हो गया है, ईगल गया, और एक स्कैटर शॉट भी मिल गया हमें। अब बात आती है हीरोज़ को यूज़ करने की। तो हीरोज़ हमें ऐसे जगह से स्टार्ट करने हैं जहाँ से हमें ज़्यादा परसेंटेज भी मिले और ज़्यादा डैमेज भी ना हो उन पे। जैसे कि हमने किंग को स्टार्ट में यूज़ कर लिया है ताकि ये जो सुपर मिनियन है वो किंग को टारगेट कर सके, ना कि क्वीन को। और इसी के साथ मैंने क्वीन यूज़ कर लिया, और जल्दी ही मैं अपना आइस गोलेम और रॉयल चैम्पियन जो है वो भी यूज़ करूँगा लेफ्ट साइड में ही, और लेफ्ट साइड का सेक्शन जो है वो डाउन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओपोनेंट की जो सीसी है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, और ये रॉयल चैम्पियन, आइस गोलेम और क्वीन तीनों के तीनों जो है सेंटर में आ रहे हैं, और बाहर के साइड कोई नहीं गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि देख रहे हैं कि रॉयल चैम्पियन ऑलमोस्ट डाई होने वाली है, तो एबिलिटी यूज़ कर ली रॉयल चैम्पियन की, और बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली है रॉयल चैम्पियन के साथ। और क्वीन अभी भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ में है, विदाउट एबिलिटी यूज्ड है अभी भी इस अटैक में। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितने डिफेंसेस हमें चाहिए थे उतने हमने डाउन कर लिए हैं। हम जल्दी ही लावालून से स्टार्ट कर लेंगे ये अटैक। जैसे कि आपने देखा कि लावालून जो मैंने यूज़ कर लिए है, और ये स्कैटर शॉट और मल्टी टारगेट इन्फर्नो जो है बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट में फ्रीज कर लिया स्कैटर शॉट को, और उसी के बाद जो है एबिलिटी यूज़ कर लिया, और दोनों में से एक डिफेंसेस को हमें फ्रीज करना है। और यहाँ पर मैंने फ्रीज किया है स्कैटर शॉट को, और जैसे कि आपने देखा कि मल्टी टारगेट इन्फर्नो को लून्स ने डाउन कर लिया, स्कैटर शॉट भी डाउन हो गया, और हे स्पेल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं लास्ट जो मल्टी टारगेट इन्फर्नो है वहाँ पे। और ये एक और फ्रीज और हे स्पेल हमने यूज़ कर लिया है उस सेक्शन में, ताकि इन्फर्नो टावर जो है जल्दी से डाउन हो जाए और सारा का सारा डिफेंसेस भी चला जाए।
इस तरीके से ये था हमारा सेकेंड बेस जो कि 3-star हो चुका है सिमिलर अटैक में। एक और बार रिमाइंडर, अगर आपको मेरे अटैक अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले अटैक जो है एंजॉय कीजिए।